नगर परिषद डिंडोरी की अध्यक्ष सुनीता सारस ने समय पर कार्यालय पहुंचकर लेट लतीफ अधिकारियों कर्मचारियों की पोल खोल के रख दी और साफ कर दिया कि अब जो समय पर ऑफिस नहीं आएगा उसकी एब्सेंट लगाई जाएगी। परिषद अध्यक्ष की इस कार्रवाई से नगर परिषद में हड़कंप मचा हुआ है। नगर परिषद डिंडोरी के अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। इसकी वानगी तब देखने को मिली जब समय सीमा के पहले नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस कार्यालय पहुंची। कार्यालय सुबह 10:30 बजे से आरंभ होता है लेकिन 11 बजे तक मात्र कुछ ही लोग परिषद कार्यालय आए। ये देख नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस उपस्थिति रजिस्टर लेकर कुर्सी पर बैठ गई और समय पर न आने वालों की अनुपस्थिति दर्ज की। अपनी कुर्सी से नजर रहे लोगों में CMO, उपयंत्री व कुछ विभागों के अधिकारी शामिल थे। नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं, समय पर कार्यालय नहीं आते हैं, जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे बेलगाम अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एब्सेंट लगाकर वेतन की कटौती की जाएगी। मैं इधर बाहर निरीक्षण में निकली थी तो टाइम हो गया 10:15 बजे, तो मैं सोची कि बाहर ऑफिस कार्यालय में जाकर देखूं कौन कितना समय पे आता है और कितना समय कार्यालय में बैठा है। लोगों से जानकारी होती है कि बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है, हितग्राही लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ आकर देखी तो सिर्फ एक ही व्यक्ति आया था, और बाकी कोई नहीं आया थे। अभी आते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उनके लिए मैं सख्त कार्रवाई लेने के लिए सोच रही हूँ। 11 बजे के बाद जो भी आएगा लेट तो उसका एब्सेंट लगाया जाएगा। स्थानीय निवासी शिरीन बेगम ने बताया कि वह कई दिनों से नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रही हैं लेकिन वहाँ के कर्मचारियों के समय पर न आने के चलते उनका काम नहीं हो पा रहा है। बहुत ही शिकायतें भी आ रही थी, हम लोग देख भी रहे थे कि मतलब कर्मचारियों का मतलब समय बेसमय आना कार्यालय में था, मतलब कोई समय नहीं था इनका। इस सब इसके लेकर हमको बहुत शिकायतें मिली थी, हम लोगों ने इसको गुप्त रूप से स्थल में पहुँच के देखे, तो इसको लेकर के हमने माननीय अध्यक्ष मैडम प्रशांत सतत संपर्क में थे। हम लोग के मतलब पर्सनली ऐसी बातचीत चल रही थी, उसी को लेकर के आज उसी तारतम्य मैडम ने अपने आक्रोश में आकर के थोड़ा सा कार्रवाई पे दम दी है। और हम लोग के पूरे संपर्क होने के बाद सब हम लोग आज कार्रवाई इनकी और मैडम की सराहनीय पहल इनकी लिए, जिससे अब आने वाले समय में नगर परिषद की स्थितियाँ बहुत अच्छी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।